विधानसभा छानबे के बाबा बदेवरा नाथ पर विधानसभा छानबे के विधायक राहुल प्रकाश कोल के विरोध में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें हालिया से राजेश सिंह जो कि आरएसएस के बहुत पुराने नेता माने जाते हैं एवं अरुण कुमार सिंह आरएसएस जुड़े हुए काफी लोग शामिल थे। छानबे विधानसभा के बालेंद्र सिंह ठाकुर, आनंद प्रताप सिंह, राम प्रताप सिंह, प्रकाश तिवारी, श्री प्रताप सिंह, भदेवरा के पूर्व प्रधान चौबे जी एवं सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि हम गांव-गांव जाकर राहुल प्रकाश कोल का विरोध करेंगे। राहुल कोल का कहेंगे, 5 साल रहे तो न कुछ कहे न धरे। अब हमसे राहुल कोल के नहीं चाहिए, नया विधायक चाहिए। इस बार आप नया विधायक चाहते हैं? हाँ, नया विधायक चाहते हैं। राहुल प्रकाश कोल का विरोध है? बिल्कुल विरोध है, खुल के विरोध करेंगे। मैं राजेश सिंह हलिया ब्लॉक के ग्राम बैधा का निवासी हूं। इस बदेवरा नाथ के पुण्य स्थान पे दर्शन करने के लिए आया हूं और मेरा ये पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर मानना है कि मेरी छानबे विधानसभा को जाति वैमनस्य फैलाने वालों को, ठाकुरों ब्राह्मणों को तथा कथित ऊंची जात के लोगों को, माँ बहन की गाली देने वालों को, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाने वाले अपने विधायक राहुल कोल को आदरणीय अनुप्रिया जी, आदरणीय आशीष जी दोबारा प्रत्याशी न बनाएं, क्योंकि हमारी जागरूक जनता एक एक व्यक्ति ये चाहता है कि आदरणीय मोदी जी और योगी जी की एक एक सीट भारत राष्ट्र को समर्पित हो और उत्तर प्रदेश के विकास के, भारत के विकास में भागीदारी बने। लेकिन ये उच्च जाति को गाली देने वाले, फर्जी मुकदमे में फंसाने वाले, विधायक निधि के लालच में दे के पैसा ऐंठने वाले, एक कुत्सित राजनीति करने वाले, छद्म राजनीति करने वाले ये राहुल प्रकाश कोल को दोबारा रिपीट न किया जाए। और आदरणीय अनुप्रिया जी से आग्रह है कि आपका आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव भी है तो क्षत्रियों, ब्राह्मणों और वैश्यों की जो एक जनसंख्या है 4-5 लाख, उनको नाराज न करें। आदरणीय पकौड़ी कोल सांसद जी को अपना स्टार प्रचारक जो घोषित किया है, ये बहुत बड़ा अपमान है इस समाज के, बहुत बड़ा अपमान है, इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। तो इसको संज्ञान में लेते हुए और इस पे ध्यान दें और दोबारा ऐसी गलती करने की जरूरत न करें। नहीं, यही बिंद की धरती, यही छानबे की धरती, यही मिर्जापुर की धरती आपको नकार के वापस कानपुर भेज सकती है। जो एक विधानसभा सीट से आप 9 विधानसभा सीट और 15-16 विधानसभा सीट और सरकार में भागीदारी चाह रही हैं, उसमें आपका कदम बहुत बड़ा रोड़ा साबित होने वाला है। अगर मिर्जापुर जनपद का, बिंद क्षेत्र के जनपद का क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया, अगड़ी जातियां अगर एक हो गई तो आपको उखाड़ फेंकने में देर नहीं लगेगी। ये मैं आगाह करना चाहता हूँ, ये चेतावनी देना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ। भारत माता की जय। राहुल कोल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल कोल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पकौड़ी कोल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अपना दल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सवालों का अपमान नहीं सहेगा छानबे, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। छानबे की धरती सवालों का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। भारत माता की जय। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू रामजानकी मंदिर का है, जहां विश्व हिंदू महासंघ की बैठक जिला संयोजक अवधेश कृष्ण शास्त्री की अध्यक्षता में हुई। चित्रकूट धाम बांदा मंडल प्रभारी शिव विलास शर्मा, मातृशक्ति की प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद जैन, मातृशक्ति की मंडल प्रभारी ममता त्रिपाठी, जिला मंत्री मनीष पटेल, अजय द्विवेदी, दीपक सिंह गौर, तहसील प्रभारी रामनिवास यादव ने विचार रखे। वहीं भाजपा प्रत्याशी अजय सिंह पटेल का विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कहा कि योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कमल का फूल खिलाएं तो विरोधियों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। इस दौरान तहसील अध्यक्ष योगेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष लखन बाबू गुप्ता, ब्लॉक संयोजक श्री कृष्ण विश्वकर्मा, ब्लॉक मंत्री कामता प्रजापति, करण प्रजापति, नगर अध्यक्ष शिवचंद्र वर्मा सहित 100 विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? अवधेश कृष्ण शास्त्री, जिला संयोजक विश्व हिंदू महासंघ। आज क्या कार्यक्रम था? आज तहसील स्तर विश्व हिंदू महासंघ इकाई की बैठक थी, जिसमें महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है और सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन किया गया, आग्रह किया गया है कि जिस विधानसभा में बबेरू विधानसभा भाजपा प्रत्याशी अजय पटेल जी के समर्थन में निकले और घर घर जाकर के योगी जी की योजनाओं को
लाभान्वित व्यक्तियों को गिनती किया कराएं, उनको संयोजक उजागर करें, तत्पश्चात और कमल में ज्यादा से ज्यादा वोट डालवाने का कार्य किया जाए। आप किस तरह से प्रचार प्रसार करेंगे? मैं सभी कार्यकर्ताओं से मैंने निवेदन किया है और मैं स्वयं एक कमासिन क्षेत्र में जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप शर्मा जी को जिम्मेदारी दी गई है। बबेरू से मुझे स्वयं जिम्मेदारी दी गई है, जो सभी कार्यकर्ताओं को जिस क्षेत्र में जो कार्यकर्ता है उन सभी कार्यकर्ताओं को लेकर घर घर जा करके उन गाँव में प्रचार प्रसार किया करने का निर्णय लिया गया। आपका नाम क्या है? पंडित अवधेश कृष्ण शास्त्री, जिला संयोजक हिंदू महासंघ बांदा। आज की बैठक में कौन कौन लोग मौजूद रहे? आज की बैठक में भाजपा प्रत्याशी अजय सिंह पटेल जी, ममता त्रिपाठी जी मंडल प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्षा विनोद जैन जी, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष संदीप शर्मा जी, दीपक सिंह गौर जी, मनीष पटेल जी, अन्य सभी लोग सम्मिलित रहे, पदाधिकारी सम्मिलित रहे। बांदा जिला संवाददाता आनंद भारत, शिव विलास शर्मा की रिपोर्ट।